पिछड़ा भाई लोग को कैसे मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमपी विधायक मंत्री बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर लोग की सत्ता में शिक्षा में हर एक जगह भागीदारी हो और उसी को हम लोग ले करके उसी को मिशन मान करके और काम कर रहे हैं। 30,000 की संख्या में लोग 30,000 लोग जुटा लीजिए पूरे बिहार से आएंगे और कार्यक्रम ऐतिहासिक 2024 और 2025 में जो है हम लोग का अहम भूमिका होगी रामचंद्र बाबू की, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है और जिसको लेकर पटना सहित बिहार के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नालंदा में भी एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर टीम आरसीपी जुटी हुई है। कन्हैया सिंह हमारे साथ है। कन्हैया जी, आज आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हजारों की संख्या में पटना से नालंदा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ, हम लोग पटना से नालंदा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और हमारे जो साथी आए हैं ये भोजपुर आरा जिला के हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित महादलित स्वर्ण सब लोग आए हैं, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो नेता थे ना वो सबजन के थे, वो ऐसा नहीं कि केवल अति पिछड़ा है पिछड़ा के थे, सबजन के थे। और आज क्या है कि सब लोग कहता है कि मैं जननायक कर्पूरी जी का शिष्य हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनमें एक भी लक्षण जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की है। जो सही में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो एकलव्य जो शिष्य है ना वो है हमारे रामचंद्र बाबू, उन्हीं वो आज के डेट में कहा जा सकता है कि वो एकलव्य शिष्य हैं और हमेशा वो अति पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों के बारे में सोचते रहते हैं। क्या उद्देश्य क्या रहेगा आज? उद्देश्य कुछ नहीं, अति पिछड़ा भाई लोग को कैसे मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमपी विधायक मंत्री बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बने, इसी के लिए एक मुहिम है जिसको हम लोग नालंदा चल रहे हैं और नया इस मुहिम की शुरुआत एकदम नया नालंदा मॉडल जो दिखेगा वो आपको आने वाले समय में एकदम दिखेगा, वाले समय में एकदम दिखेगा। देखिए, आरसीपी सिंह की जो टीम है कन्हैया सिंह लीड कर रहे हैं पटना से, हमारे साथ कई लोग मौजूद है। आइए, कहाँ से आप हैं? मैं पटना से ही हूँ और मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह हुआ और हम लोग आज जा रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जन्म जयंती है उसको मनाने नालंदा के रवि प्रखंड के सोनसा हाई स्कूल मैदान में। आरसीपी सिंह के साथ एकदम लगे हुए? हाँ बिल्कुल, हम लोग के नेता हैं आदरणीय रामचंद्र प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री भारत सरकार, और हम लोग की सोच यही है कि समाज के जो भी पिछड़े वंचित तबके के लोग हैं वो लोग की सत्ता में शिक्षा में हर एक जगह भागीदारी हो और उसी को हम लोग ले करके उसी को मिशन मान करके और काम कर रहे हैं। मिशन 2024-25 को लेकर आप लोग चल? हाँ बिल्कुल, अब तो राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था कि आपको यदि नीतिगत निर्णय करना है तो सत्ता में आना होगा, संसद में आना होगा, विधानसभा में आना होगा और उसी के माध्यम से आप कर सकते हैं अपने समाज और अपने तबके को जो भी वंचित हैं उन लोगों को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरफराज रैन हुआ, मैं मधुबनी जिला से हूँ और आइए इधर आइए। और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 99वीं जयंती है और हमारे आदरणीय नेता भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आदरणीय रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में सोनसा रोही के सोनसा मैदान में जो है आज भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप संख्या है और वहाँ कम से कम जो हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं 25,000 से 30,000 की संख्या में लोग पूरे बिहार से आएंगे और कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। जी, आप कहाँ से आए? हम लोग जगदीशपुर से हैं। जगदीशपुर आरा? जी, आरा से। क्या लगता है वहाँ का कार्यक्रम कैसा रहेगा? कार्यक्रम हो रहा है भव्य रूप से होगा। हम लोग लगभग आरा जिले से लगभग हम लोग 50 गाड़ी से आए हुए हैं और नालंदा के लिए। जी, नालंदा के लिए और लगभग हम लोग वहाँ पे संख्या 25-30 हज़ार एकदम निश्चित ही होगा। 25-30 हज़ार जुटा दीजिएगा। जी जी जी, पूरे बिहार से। देखिए, 2024-25 चुनाव को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो जोरों शोरों पर है, ऐसे में पटना से ये जो काफिला है वो निकल रहा है नालंदा के लिए। नालंदा में आज अति पिछड़ा सम्मेलन के साथ साथ जो लोग हैं अति पिछड़ा समाज के वो भी जुड़े हुए हैं। देखिए, इधर व्यवस्था सभी लोगों की गई है यहाँ से और इसके बाद सभी लोग नालंदा के लिए प्रस्थान करेंगे और नालंदा के साथ साथ आरसीपी सिंह की जो टीम है वो बिहार में 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग एकदम पूर्व से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि 2024 और 2025 में जो है हम लोग का
अहम भूमिका होगी रामचंद्र बाबू की, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, पूरी टीम तैयार है हम लोग। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहिएगा? आज के कार्यक्रम को लोग आप देख ही रहे हैं नज़ारा बाबू कन्हैया सिंह की तरफ से, हम लोग पटना से, आरा से, छपरा से और तमाम बिहार के हर कोने कोने से लोग आ करके और पूरे सैकड़ों गाड़ियाँ का तादाद यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और वहाँ रास्ते में फतुहा से लेकर दनियावा से लेकर गिड़िया नगर नौसा और चंडी में लोग हम लोग का इंतजार कर रहे हैं और जगह जगह हम लोग रास्ते करते हैं, वहाँ सोनसा के मैदान में नालंदा पहुँचेंगे और पहुँच के रामचंद्र बाबू के और जगनायन जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती में शामिल होकर के उसको भव्य का रूप दर्जा देंगे। देखिए ये कार्यक्रम की तैयारी है, पटना से आज शुरुआत हो चुकी है और नालंदा जो लोग हैं वो पहुँचेंगे, नालंदा पहुँचकर ये जो काफिला है जनसभा का रूप लेगा, वहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इस जनसभा को संबोधित करेंगे। संभवतः बिहार के लिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी है और बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं आज एक बड़ा बदलाव भी आने वाला है। सभी दलों की जो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है या सभी दल 2024-25 की जो चुनावी तैयारी है, मानकर चलिए कि आज से शुरुआत हो चुकी है और एक साल तक ये जो काफिला है, ये जो लोगों का हुजूम है, लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूमता हुआ नजर आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।